राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रात से हो रही बारिश आज सुबह हजारों कामकाजी लोगों के लिए आफत बन गई। विभिन्न इलाकों में हुए जलभराव से एक बार फिर यातायात व्यवस्था चरमरा गई। साथ ही दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। इस बारिश में खासकर दोपहिया वाहन चालकों को जलभराव में खासी दिक्कत हुई। रास्ते में दोपहिया वाहन बंद हो गए। आईटीओ में तो कमर तक पानी भरा हुआ है। डीटीसी बसों की लंबी कतार लगी हुई है। नजफगढ़, द्वारका, तिलक नगर और राजौरी गार्डन में भारी जलभराव है। नई दिल्ली के मिंटो रोड में भी पानी भर गया है। इसके चलते मिंटो रोड की तरफ जाने वाले सारे वाहन कुछ देर के लिए रोक दिए गए। ओखला, जामिया नगर, संगम विहार, खानपुर, पुल प्रहलादपुर, सरिता विहार आदि इलाकों में जलभराव से स्थिति खराब है। यमुना पार के पूर्वी दिल्ली के इलाकों तेज बारिश के चलते सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास जलभराव है। जखीरा अंडरपास के नीचे बसें रुकी हुई हैं। पंप से पानी निकाला जा रहा है। लाल किला के आसपास मुख्य सड़कों पर जलभराव के अलावा संपर्क मार्गों पर भी पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आईटीओ, आश्रम, आनंद विहार, लाजपत नगर और चिल्ला बॉर्डर में लंबा जाम है। लक्ष्मी नगर, ललिता पार्क, गीता कॉलोनी, गाजीपुर, मयूर विहार, पटपड़गंज, गांधी नगर, कृष्णा नगर, लाल क्वार्टर, शाहदरा, सीलमपुर, नंदनगरी, भजनपुरा, वजीराबाद, तिमारपुर तक जाम है। बुराड़ी, नत्थुपुरा, आजादपुर, रोहतक रोड के आसपास के इलाके में बारिश के कारण काफी देर तक जाम रहा। करोलबाग, पहाड़गंज और कश्मीरी गेट में बड़ी संख्या में लोग जाम में फंसे हुए हैं। एम्स, ग्रीन पार्क, ओखला, निजामुद्दीन, बदरपुर, खानपुर, देवली, नजफगढ़, संगम विहार, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, धौलाकुआं, महिपालपुर, सरिता विहार, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली कैंट और कालकाजी में भी जाम से हालात खराब हो गए हैं।